गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉडी क्लॉक और अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस का क्या रिलेशन। हमें जल्दी उठने से क्या फ़ायदा है, किस समय खाना खाने से क्या फ़ायदा है, कब सोना है, कब जागना है, कब जूस पीना है, कब वो काम करना है, कब ये काम करना है, हम इस बॉडी क्लॉक में सब समझेंगे। जो हमारी बॉडी क्लॉक है वो बहुत ही स्पेसिफिकली बनाई हुई है और सुबह उठने का क्या फायदा है, तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं सुबह उठने से 5 से 7 का टाइम से शुरू कर। जब हम 5 से 7 के बीच में उठते हैं तो सनलाइट हमारी आंखों के थ्रू जाती है और उस समय सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर देती है और दूसरे हार्मोन्स बनने लगते हैं जिससे हम दिन भर अलर्ट रहते हैं और बॉडी हमारी फिट रहती है। अगर हम सुबह नहीं उठते हैं तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है जो नींद के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम दिन भर थके थके और डिजीनेस महसूस करते हैं। तो अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में सफिशेंट क्वांटिटी में हार्मोन्स बन जाते हैं। दूसरी बात, जो 5 से 7 का टाइम होता है इस समय हमारे बॉडी की जो एनर्जी है वो इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं सुबह उठने के फायदे। तो दूसरा रीजन क्या है जो बॉडी क्लॉक का, कि हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इंटरनल क्लॉक होता है, ठीक है ना, उसमें एक जीन होता है जो सिग्नल देता है बॉडी की एक्टिविटी के थ्रू। तो सुबह उठने का पहला फायदा तो ये है, मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाएगा और हमारे बॉडी में दूसरे हार्मोन सीक्रेट करेंगे जो हमारे बॉडी को दिन भर एक्टिवेट करेंगे। दूसरा, अगर हम जल्दी उठते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर ने पाया कि अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं लोगों के लिए। उसका रीजन आपको बताया है कि मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है और दूसरे हार्मोन्स का बढ़ जाता है जिससे हम वेकअप स्टेट में रहते हैं, अलर्टनेस रहती है। तीसरा फायदा मॉर्निंग में उठने से हमारी माइंड की शार्पनेस बढ़ती है और इस बात को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने अपनी स्टडी में बताया कि जो स्टूडेंट मॉर्निंग का टाइम पढ़ने के लिए यूज करते हैं वो जनरली क्लास में हायर ग्रेड लाते हैं बाकी दूसरे बच्चों की कंपैरिजन। इन सब का रीजन यही है कि जब सनलाइट पड़ती है तो मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है और दूसरे एंजाइम्स ज़्यादा बनने लगते हैं। अब हम चलते हैं कि किस टाइम पर क्या होता है। तो हमारे सामने टाइम है जो 5 से 7 का टाइम है। 5 से 7 के बीच में एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। अगर हम इस समय पानी पीते हैं और थोड़ा सी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाता है और ये टाइम फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए भी बेस्ट होता है, क्योंकि 5 से 7 का जो पीछे वाला समय होता है वो लंग्स का होता है और उस समय लंग्स में काफ़ी एनर्जी होती है। तो लंग्स में ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन की वजह से हमारी बॉडी में इस समय एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अगर हम 5 से 7 के बीच में उठते हैं और थोड़ा गर्म पानी पीते हैं तो हमारा पेट साफ रहेगा। इस समय हमें कैफीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए, पर कुछ लोग नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, हम गर्म पानी पीजिए और थोड़ा घूमिए जिससे आपका पेट साफ हो जाए। अब हम चलते हैं 7 से 9 के बीच में। 7 से 9 के बीच में जो एनर्जी है वो हमारे स्टमक में आ जाती है। हमारी बॉडी क्लॉक में ये फिक्स है कि जैसे ही सनलाइट निकलती है उसके 2 घंटे बाद या 2.25 घंटे बाद बॉडी में HCl का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स सन 6 बजे ग्रो किया तो जैसे जैसे सनलाइट ग्रो करेगी उसके 2 घंटे बाद, मतलब अप्रॉक्स 8 बजे के आसपास
हमारी बॉडी में HCL का सीक्रेशन शुरू हो जाता है, और अगर हम इसमें कुछ नाश्ता लेते हैं तो वो HCL उसको पूरा डाइजेस्ट कर देता है। HCL में इतनी ताकत होती है कि अगर हम लोहे की कील को HCL में डाल दें तो लोहे की कील भी डाइजेस्ट हो जाती है। तो अगर हम इसमें कुछ थोड़ा हैवी नाश्ता लेते हैं तो वो डाइजेशन में जल्दी से स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा। अब डाइजेस्ट से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। तो इससे जो अगला साइकिल है उससे अगला साइकिल स्प्लीन का है। इस समय हमारी थिंकिंग क्लियर होती है, और स्प्लीन का काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में बदलना। NIH की स्टडी से पता लगा कि जो मोस्टली हार्ट अटैक का टाइम होता है वो सुबह 8 से 11 या 9 से 11 का होता है। अगर हमने कुछ खाया ही नहीं है सुबह, कोई नाश्ता नहीं किया है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। तो एनर्जी में स्प्लीन बदलेगा किसका, किसको, तो उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक के ज़्यादा चांस मॉर्निंग में रहते हैं। लेकिन अगर हम 7 से 9 के बीच में कुछ खाते हैं, मतलब खाना चाहिए अच्छा सा हैवी, इस समय आप कितना भी हैवी खा लें वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते समय कुछ खा के जाते हैं वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो हम आ गए 9 से 11 तक जो टाइम है स्प्लीन का, और स्प्लीन का काम है खाना खाए हुए फूड से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर आया 11 से 1 टाइम का, ठीक है। ये टाइम में जो एनर्जी है हमारी बॉडी वो हार्ट में होती है, ब्लड सर्कुलेशन में होती है, हाई एनर्जी। हम यहाँ पर खाना खा सकते हैं टाइम टू, ठीक है ना, रीच आउट पीपल और बातें कर सकते हैं। तो जो एनर्जी थी वो अब हार्ट में आ गई है, ठीक है ना। तो अगर वहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होती है स्प्लीन से, या हमने स्टमक में कुछ खाया ही नहीं तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हार्ट के ऊपर पड़ता है, और हार्ट कहता है कि कुछ खाया ही नहीं है, और वो इस गम में 9 बजे ही हार्ट अटैक कर लेता है डर के मारे कि मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि हार्ट में न्यूट्रिएंट्स पहुंचने का एक फिक्स टाइम इंटरवल है, कम से कम 6 घंटे। तो अगर हमने 8 बजे खाया है, 8 बजे खाया है, तो वो कम से कम 4 से 6 घंटे लगता है हार्ट में पहुंचने के लिए। जब हम सुबह कुछ खाएंगे ही नहीं तो हमारे हार्ट को धक्का लगेगा कि हाय इसने कुछ खाया ही नहीं है तो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो अगर हम सुबह अच्छा खाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब हम आ रहे हैं 1 से 3 PM के बीच। 1 से 3 PM के बीच में जो एनर्जी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ पर जो हमने खाना खाया है, ठीक है ना, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब करती है। इस समय हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत लो रहती है, और इसलिए हमें इस समय 1 से 3 के बीच में हल्की सी नींद आती है। इसलिए ज़्यादातर ऑफिसों में लंच का टाइम 1 से 2 या 2 से 3 रखा जाता है कि वहाँ पर आदमी नींद ले ले, पर खाने का टाइम ये नहीं। खाने का टाइम वही है कि 11 से 1 या फिर मॉर्निंग। तो अगर आपने अभी खाया है खाना तो आपको नींद जल्दी से नहीं आएगी, और ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं। तो 1 से 3 के बीच में जो एनर्जी, बॉडी क्लॉक की एनर्जी है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन फैट का डाइजेशन करती है बाइल जूस वगैरह से, और वो फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब अगर हमने वहाँ 8 बजे कुछ खाया ही नहीं है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पहुँचने वाला भी नहीं है, और कुछ पहुंचने वाला भी नहीं है तो एब्जॉर्ब भी कुछ नहीं होने वाला। फिर आते हैं हम 3 से 5 के बीच में। 3 से 5 के बीच में हमारी एनर्जी ब्लैडर में आ जाती है, मतलब यूरिनरी सिस्टम में आ जाती है। इसलिए हमारे जो जूस पीने का टाइम है या लिक्विड छाछ पीने का टाइम है वो 3 से 5 के बीच में रखा हुआ है। अगर हम इसमें जूस छाछ वगैरह बटर मिल्क लेते हैं तो वो हमारे हर्बल टी, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में फायदा करता है,
तो 3 से 5 के बीच में अगर हम जूस, छाछ, बटर, मिल्क वगैरह लेते हैं तो वो हमारे ब्लैडर को साफ रखेगा। और अब हम आ गए 5 से 7। 5 से 7 के बीच में हमारी एनर्जी किडनी में आ जाती है। अब इसमें डिनर करने का टाइम होता है। जनरली जैनियों में सनलाइट ग्रो करने के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले खाना खा लेते हैं। उसका रीजन ये है कि जब सनलाइट ग्रो निकलता है और सन डूबता है शाम को, तो उसके 1 घंटे पहले एचसीएल का सीक्रेशन शुरू हो जाता है और जो 1 घंटे बाद तक रहता है, अगर हमने इस टाइम खाना खा लिया तो वो खाना बॉडी में हमारे जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस समय खाया हुआ खाना हमारे बोन मैरो को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। मतलब अगर इस टाइम हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारी बोन मैरो को कंट्रोल, बोन मैरो को ग्रोथ करता है। और बोन मैरो आप जानते ही हैं कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो 5 से 7 में अगर हमने एक डिनर ले लिया है, पर इस समय हल्का खाना है। हल्का खाने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की शेप जैसी कैसी होगी ये हमारे खाने पर डिपेंड करता है। अगर हमने सुबह 2 किलो खाया है तो हमारा चेस्ट 2 किलो के इक्विवेलेंट चौड़ा होगा। फिर हमने 1 बजे 1.5 किलो खाया है तो थोड़ा सा और होगा, और शाम को हमने 1 किलो खाया है तो हमारी बॉडी बी शेप हो जाएगी। पर हम खाते कैसे हैं? सुबह खाते हैं 25 ग्राम, दिन में खाते हैं 1 किलो और शाम को खाते हैं 3 किलो। तो हमारी बॉडी ऊपर से तो ये होती है और नीचे से ये चौड़ी होती चली जाती है। तो 5 से 7 के बीच में अगर हमने खाना खा लिया है तो ये हमारी बोन मैरो को ग्रो, बोन मैरो की रिपेयरिंग करेगा, न्यूट्रिएंट्स करेगा। और बोन मैरो सब जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही। तो अगर आपको बॉडी बी शेप में चाहिए तो सुबह 2 किलो खाओ, दिन में 1/2 किलो खाओ और शाम को 250 ग्राम खाओ। और अगर नीचे से चौड़ी बॉडी चाहिए, जो आजकल शहरों में कॉमन मिलेगी, कि कमर है 70 इंची और बाकी चेस्ट पतला, वो इसलिए है कि हम मॉर्निंग में 7 से 9 तो उठते ही नहीं है। हम तो सूरज को देखते ही पहली बार 10 बजे हैं। 10 बजे सनलाइट में यूवी रेज होती नहीं, तो पूरे दिन हमारी बॉडी पर मेलाटोनिन का असर रहता है। अब आ गए हम 7 से 9 के बीच में। 7 से 9 के बीच में जो एनर्जी है वो पेरिकार्डियम में होती है, सर्कुलेशन में, ब्रेन में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कंसीव करने के लिए, सेक्स लाइफ जीने के लिए, लाइट रीडिंग करने के लिए। पर आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में ये तो संभव नहीं है, पर हम जितना एडजस्ट कर सकते हैं आप कीजिए। अब आ गए हम 9 से 11 के बीच में। 9 से 11 के बीच में अब जो हमने खाया पिया था, ठीक है ना, ये ट्रिपल बर्नर है। यहाँ पर थायराइड, पीनियल ग्लैंड, पाइनियल, सारी ग्लैंड से रेस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी ट्रांसफर के लिए, ठीक है ना। तो अगर हमने सात वो 5 से 7 में खाना नहीं खाया है तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव जो ट्रिपल बर्नर है वो काम नहीं करेगा। ये एंजाइम्स, ये ग्लैंड्स काम नहीं करेगी और इस समय खाना खाना बिल्कुल ही अवॉइड है। अगर हम इस समय खाना खाते हैं तो वो बॉडी, हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है। तो 9 से 11 खाना खाना नहीं है। फिर 11 से 1, 11 से 1 के बीच में हमारी एनर्जी पॉजिटिव स्टेट में, गॉल ब्लैडर में आ जाती है, जो स्लीप के लिए रिलीज वाइल सेलुलर रिपेयर रीजनेट बिल्ड ब्लड सेल। तो इस टाइम में हमारे आरबीसी वगैरह का फॉर्मेशन होता है। और अगर किसी को गॉल स्टोन है तो इस समय आप उसके गॉल स्टोन में दर्द महसूस कर सकते हैं। तो हम 11 से 1 आ सकते हैं। और हमारे सांस सनातन में 1 से 3 के टाइम को आसुरी टाइम कहा गया है। आसुरी टाइम इसलिए कहा गया है और ऐसा कहा गया है, इस समय राक्षसी प्रवृत्तियां की शक्तियां आकाश में घूमती हैं जो हमको परेशान करती हैं। तो इस समय जगना नहीं चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है कि 11 1 से 3 के बीच में हमारी एनर्जी लिवर में होती है और लिवर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, रिकवरी करता है, ठीक है ना। तो अगर हमने 1 से 3 के बीच में गहरी नींद नहीं ली तो लिवर खराब हो जाएगा।
इसलिए आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको साइलेंट अटैक आ रहे हैं, और साइलेंट अटैक आने का रीजन है लिवर। 1 से 3 वो उल्लुओं की तरह जागते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो उनका लिवर धीमे धीमे बेकार होता जा रहा है, और बहुत यंग एज में ही उनको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि NIH की स्टडी से पता लगा कि हार्ट अटैक का टाइम क्या है। हार्ट अटैक का टाइम है 8 से 11 और रात को 3 से 5 या 3 से 4 के बीच में मैक्सिमम केस रिपोर्ट किए जाते हैं कि किस समय हार्ट अटैक शुरू हुआ। इलाज के लिए नहीं, कब हार्ट अटैक। तो जो सुबह का हार्ट अटैक है वो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से होता है, और 3 से 5 का जो टाइम है उस समय एनर्जी लंग्स में होती है, तो वहाँ हमको टाइम मिलता है। अगर सुबह में हार्ट अटैक आता है तो उसका दर्द होता है क्योंकि वो हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से होता है। लेकिन अगर 3 से 5 के बीच में हार्ट अटैक होता है तो ये लंग्स की इनएफिशिएंसी की वजह से होता है, और इसमें हमें बचने का मौका भी नहीं मिलता। सिर्फ सुबह कहता है कि सुबह जगाया तो नहीं जगा, क्योंकि लंग्स फेल हो जाते हैं, सांस आना बंद हो जाती है। इस 3 से 5 का अपोजिट समय नेगेटिव होता है, मतलब शाम को 3 से 5 के बीच में हमारे लंग्स में एनर्जी मिनिमम रहती है, और अगर हम इस बीच में एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। दूसरी बात, जो हमारी इंडियन जो इन्वायरमेंट है उसमें योगा जैसी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, फास्ट मूविंग एक्सरसाइज नहीं है। वो वहाँ के लिए बनाई गई है जहाँ पर सर्दियाँ बहुत होती हैं। गर्म प्रदेशों में योगा जैसी एक्सरसाइज हमें ज़्यादा फायदा देती है। तो हम 3 से 5 पहुँच गए हैं, तो फिर से एक बार बॉडी क्लॉक को फिर से रिवाइव करते हैं। 3 से 5 लंग्स में एनर्जी है, इस समय गहरी नींद लीजिए और जिससे लंग्स अच्छी तरह काम करे। 5 बजे उठो, उठ के गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने से सुबह सुबह पेट साफ हो जाएगा, कोलोन साफ हो जाएगी और पेट साफ हो जाएगा, तो पेट को दूसरा ब्रेन कहते हैं। 7 से 9 के बीच में एनर्जी स्टमक में आ जाती है, सनलाइट ग्रो हो गई है, मेलाटोनिन सरप्रेस हो गया है, दूसरे हार्मोन्स निकलने लगे हैं और बॉडी में HCL का सीक्रेशन शुरू हो गया है। हमने जो कुछ 7 से 9 के बीच में खाया HCL ने, इवन आप पत्थर भी खाओगे तो पत्थर को भी HCL डाइजेस्ट कर देगा। 7 से 9 के बीच में जो हमने खाया था स्प्लीन ने उसको एनर्जी में बदल दिया है, और एनर्जी हमारे हार्ट में पहुंच गई है। हार्ट के बाद में अब वो फूड जो खाया था हमने वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है और फैट को डाइजेस्ट कर रही है। और अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एनर्जी हमारे 1 से 3, 3 से 5 ब्लैडर में आ गई है। जो वो ब्लैडर में हमें इसमें लिक्विड जूस बटर मिल्क वगैरह लेना चाहिए, और 5 से 7 के बीच में एनर्जी किडनी में है। किडनी में है तो हमें यहाँ पर एक हल्का सा डिनर लेना चाहिए, और उस डिनर से जो एनर्जी रिलीज होगी तो 5 से 7 में जो खाई हुई एनर्जी है वो कहाँ आ गई, वो पेरिकार्डियम में आ गई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मिलेगी, ब्रेन को मिलेगी। इस समय हमें हल्की स्टडी करनी चाहिए, एक्सरसाइज कम करनी चाहिए, और 9 से 11 के बीच का समय हल्की खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बैलेंसिंग का टाइम है। इसलिए जो लोग 9 से 11 के बीच में सो जाते हैं उनकी हेल्थ बाकी लोगों के कंपैरिजन में बेटर होती है। आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि दूध वाला सुबह 3 से 5 उठता है तो वो बीमार नहीं पड़ता, ऐसे एग्जाम्पल देके आप अपने आप को बचा सकते हैं। 9 से 11 में हमें हार्मोन्स वगैरह मिलते हैं, और 11 से 1 के बीच में एनर्जी ब्लैडर में होती है जिसमें बाइल जूस निकलता है, जो नींद जैसी चीज़ों के लिए, रिजनरेट के लिए, ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है। इसके बाद एनर्जी 1 से 3 के बीच में लिवर में पहुंच जाती है। लिवर दिन भर में जो भी हमने खाया पिया एक्टिविटी करी
उस 2 घंटे में लिवर फिर से हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और 3 से 5 का एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। इस तरह हमारी बॉडी क्लॉक जो हाइपोथैलेमस में स्थित है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, और उसको एक्टिवेटेड करने के लिए सनलाइट जरूरी है, ठीक है ना। तो सनलाइट में मॉर्निंग में ही यूवी रेज पाई जाती हैं ऐसा कहते हैं, जो हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है और वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करके उससे जरूरी हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें और दूसरे की भी हेल्थ और हैप्पीनेस को रिस्टोर करने में उसकी मदद करें। थैंक यू।